रेहड़ी पूरी लद के लिया है। हाँ लद ला दे आप 5000 पूले तेरा कर दी आ जाना छे नाले कुमार नहीं है सही है कुमार जेड़े आग उत्ते घाटे गन्ने बोते आ। अच्छा हाँ आग इन्ने बनते कोई तो फिर कंड वाट भी तो मालक भी केड़ा कहिंदा है अगों टोरी केड़ी ओ पां दे इन्ना चला जाए टोरी नहीं ना लान देनी कहना। अच्छा नहीं लान देनी तो सानू की लोड़ मैं तो कल गुस्से च आन लगा ही चल सोचा नुकसान तो अपना होना है चलो थब्बा माल ही ले जाने आई तेरा कर दे मैं चलो थब्बा ले आई उतो आई लावा दे दो तीन पूले से ना गन्ने चार ला दे सानू। गधा गाड़ी पे हम लोग जा रहे हैं तो असली जा रहे हैं मैं चलो पान थब्बा ला ही अपने लिए माल मूल बना लिए तो डंगर रेंदे भुखा सियाल जो है सुखा लभदा को नहीं पट्ठे नहीं है बार पट्ठे बड़े महंगे आ पाया तो फिर पट्ठिया का कर दे कहने चलो कड़ा सुखा आ फ्री है बंदा झट खेचल कर दे पान पूंद ला दे दे माल ही थब्बा बना दे लै जी तो गन्ने वगैरह भी दे देंगे नाल गन्ने भी तीन चार दे देंगे आ वैसे दा दू ला दे पांच चार और रख ली दे फिर चल काल खोले किन्ना को टाइम लग जाना टाइम अपन दो घंटे लग जाने दो ढाई घंटे अबू ने जानद वड्या हो फिर तो आप छेती आ जाओ। अच्छा अबू भी दिल करे तो खिलाओ रहा कितने दिल करे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम गधा गाड़ी पे जा रहे हैं गन्ने के खेत में गन्ने का जो ऊपर का हिस्सा होता है चारा वाला वो काट के लाएंगे। तो मिराज भाई मेरे साथ हैं पड़ोसी हैं मेरे तो चले मैं आपको गन्ने का खेत पूरा विजिट करवाता हूँ। ये वाला जो है ना ये वाला हिस्सा जो है भैंसों के चारे के लिए तो बाकी जो गन्ने रखे हुए हैं ये अलग फैक्ट्री में जाएंगे चीनी के लिए। चलो इन कटना है कट दे फिर पांद लाने हैं पांद ला दे फिर छिलना है छिल दे फिर बनना है फिर सटने हैं कट्ठे करने कट्ठे कर दे फिर जाना का। अच्छा हाँ जी यानी कि दो घंटे लग जाएंगे दो तीन घंटे अपने इतना ही आ सुक्का ही बनाना सुक्का बनता कहते गन्ना ना नाल जाए बाहर कहते बहुत महंगा 40,000 के कनाल बेची है चीनी महंगी हो गई ना उस वजह तो है ना 40,000 में कनाल कमाल कल ही इदा ही बाबे किवें उन्हें क्या नहीं लाने उन्हें क्या इतने ही लाने सही बग्गी दाढ़ी चंगी बीती सी चंगी बीती कर दे उन्हें क्या रख दे इतने कमाद नहीं छिलना चले गया कर दिता ना कम तो गलत ही किया भावें उन्हें कितने फिर भी बढ़ेरा इज्जत करनी चाहिए अगलिया पैसा अगलिया पजा दिता उन्हें सही गल मेहनत भी बड़ी है ना आग भी एडे लाने को नहीं सौखे कितों आ लवाते ये देखें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गन्ने हैं ये वाले सारे ये यहाँ से लोड होके जाएंगे उसमें ट्राली ट्रैक्टर में लोड होके जाएंगे फैक्ट्री में और फिर इसकी चीनी बनेगी। तो ये वाला हिस्सा जो है ना हरा हरा ये लेके जाना पड़ता है घर पे भैंसों भैंसों के लिए। मिराज भी लगे हुए सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 9 बजे का टाइम है बड़ी
तारा जो है मिराज भाई ने निकाल के रख दी है, तो वहाँ पर हमारी गधा गाड़ी खड़ी हुई, उसके ऊपर जाके रखेंगे सारा जमा करके। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे। तो कुछ गन्ने ले लिए खाने के लिए, दो रख दिए और शायद दो से तीन और हैं, तो वो भी आ जाएंगे, इसी के ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद मिराज भाई और मैं घर जाएंगे, और ये अंकल मिराज भाई के अब्बू हैं। और कितने ने? एक कोई तीन रख दिए, एक और आएगी। तो फिर ये रखने के बाद फिर जाएंगे हम लोग घर। इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ गन्ने के खेत है, ये वाला भी और ये वाला भी। गन्ने का चारा हम लोग लेके आ गए, तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर, गधा गाड़ी पे बैठे हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।